भक्ति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है वनस्थली क्षेत्र में खरीफ मौसम की गतिविधियां। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम चौथूराम हाकला है। कृषि विज्ञान केंद्र वनस्थली विद्यापीठ में मैं SMS सॉइल साइंस के पद पर कार्यरत हूं। आप यहां देख रहे हैं कि जो जैविक विधियों से किस तरीके से खाद तैयार करते हैं। जैविक खाद को तैयार करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे केचुआ खाद है, गोबर की खाद है, पोषक तत्वों से भरपूर खाद है, नाडेप कंपोस्ट है, और इस तरीके से हम जो है खाद को तैयार करते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में केचुआ खाद की एक यूनिट तैयार की गई है। इस यूनिट का जो फ़ायदा है सबसे अच्छा कि ये बहुत ही लो कॉस्ट में जो है आपके बहुत ही कम रुपए में तैयार हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम एक जो काला, जिसे हम अमृत कहें, अमृत सोना कहें, वर्मी वॉश जो है वो हम इसमें कलेक्ट भी करते हैं। जो केचुआ खाद यूनिट है उसको बनाने का बहुत ही आसान एक तरीका है। किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि केचुआ खाद किस तरीके से बनाई जाती है। केचुआ खाद बनाने के लिए हमें 10 फीट उसकी लंबाई हो, 3 फीट उसकी चौड़ाई हो और 1.5 से 2 फीट तक उसकी ऊंचाई हो, उस अनुसार हम बना सकते हैं। इसको और बेहतर बनाने के लिए इसके बीच में हम कुछ जगह छोड़ दें 1-2 ईंट की, तो उससे केचुए एक से दूसरी कैरी के अंदर भी ये जा सकते हैं। इसके अंदर जब इस तरीके की हमारी कैरी तैयार हो जाए तो उसके ऊपर हम छप्पर से या टिन से किसी भी तरीके से छायादार स्थान पे ये होनी चाहिए। इसको हम पेड़ की छाया में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसमें हम छप्पर या टिन सेट से इसको बनाएं। इसके साथ जब हम कैरी को भरते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि केचुआ जो होता है वो जैविक पदार्थ जितने भी होते हैं उन सबको खाता है, बस उसमें कोई जहरीली या केमिकल युक्त चीज़ें नहीं हो। उनको हम परत वाइज इसमें बिछाते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा जैविक कोई अपशिष्ट होते हैं, घास है और इत्यादि चीज़ें हैं, उनको नीचे बिछाएंगे, फिर गोबर की इसके ऊपर हम परत रख देंगे। फिर ऐसी तरीके से हम परत भरते भरते इसको हम पूरी जहां 1.5 से 2 फीट की है उस ऊंचाई तक इसको भर देंगे। उसके बाद में इसमें हम प्रति क्यारी 3 किलो केचुए, करीब उनकी संख्या 1000 के लगभग हो, हम इसमें छोड़ देंगे। ये केचुए इसमें 40 से 50-60 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में उसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिले तो वो 60 दिन के अंदर, और अगर उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो वो 40 से 50 दिन में खाद को तैयार कर देते हैं। इसी जब हम क्यारी बनाते हैं तो उसी के साथ अगर हम थोड़ी सी ढलान दे दें, करीब 3 इंच के लगभग, और उसमें हम कुछ पाइप लगा दें जिससे कि इसमें से वर्मी वॉश भी हमारी एकत्रित होती रहे। जो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने वर्मी वॉश एकत्रित करने का एक जो है तरीका भी निकाला। इस तरीके जब हम इसमें पानी हल्का हल्का देते हैं तो हल्का हल्के तरीके से कुछ केचुआ खाद के साथ मिलकर, केचुए के लिक्विड के साथ मिलकर, और वो वर्मी वॉश यहाँ आके इकट्ठा हो जाती है, जिसको कि हम अमृत सोना भी कहते हैं। और ये फसलों की पैदावार जो है 10 से 15% तक बढ़ाने का काम करता है। ये वर्मी वॉश जो है ये फसलों में एक वृद्धि हार्मोन के रूप में काम में आता है, साथ में जो कीड़े और बीमारियाँ हैं उनको भी ये नियंत्रित करता है।
कृषि विज्ञान केंद्र में जैविक विधियों से जो तरल खाद है उसको तैयार करने की विधि होती है। ये कचरा अपघटक है जो भारतीय जैविक संस्थान है गाजियाबाद का, उसके द्वारा ये बनाया गया है। ये 20 रुपए की एक बोतल आती है जिसके अंदर गाय के गोबर से निकाले हुए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि फसल में बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये कचरा जो भी होगा उस सबको गला के उसकी कंपोस्ट बनाने का काम करेंगे, साथ में कीड़े और बीमारियाँ मारने का काम करेंगे। और अगर इसको हम किसी भी फसल में जो है छिड़काव करते हैं या हम किसी पेड़ की जड़ में इसको डालते हैं तो ये पोषक तत्व का काम भी ये करेंगे, जिससे कि नीचे से कुछ भी खाद में से खा के और पौधे को पोषक तत्व का प्रदान करेंगे। इसको बनाने की बहुत ही एक साधारण सी विधि है। 200 लीटर के ड्रम में हम 200 लीटर पानी भर के उसमें एक कचरा अपघटक की बोतल को उसमें घोल देंगे, साथ में 2 किलो गुड़ को इसके अंदर हम घोल देंगे। ये 7 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। इसको दिन में 2 से 3 बार हिलाना है और ये इस तरीके से जो है जब इसको हम देखेंगे तो ये 7 दिन के अंदर मटमैला हो जाएगा। ये वर्मी वॉश जो कि केचुए खाद के द्वारा या अलग से किसी मटके में जो है थोड़ी मिट्टी रख के उसमें गोबर रख के फिर कचरा रख के और इस तरीके से हम इसमें वर्मी वॉश को भी जो है नीचे एक फिल्ट्रेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। ये जो जीवामृत है इसको बनाने की भी बहुत साधारण विधि है। 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 180 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 किलो गाय का ताज़ा गोबर हो और 10 किलो गाय का ताज़ा मूत्र हो, वो सब मिलाकर इसमें हम 7 और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ मिला देंगे और ये भी 7 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। इसे भी दिन में 2 बार हिला सकते हैं। किसान भाइयों, जो कचरा अपघटक होता है इसको हम किसी भी कचरे के ऊपर जब उसकी हम 15 से 20 सेंटीमीटर की 3 परत बना के और उसके ऊपर हम 200 लीटर का छिड़काव करके और उसे 40 से 45 दिन में हम कंपोस्ट के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन तीनों को जो है प्रयोग में लेने के लिए 1:20 से 40, कहने का मतलब 1 लीटर इसको छान कर 20 से 40 लीटर पानी तक में हम इसको मिलाकर ड्रिप के द्वारा भी हम पौधों के अंदर दे सकते हैं और उसी तरीके से जो है इसको मिलाकर पत्तियों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, जो पोषक तत्व के साथ साथ कीट और बीमारियों के नियंत्रण में भी सहायक होगा। अब इसके साथ साथ ये एक 0 बजट की खेती है, इसमें हम कम साधनों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पादित कर सकते हैं और ये जैविक विधि की तरीके से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन साथ में कीट बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं और इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उत्पादन बढ़ेगा, उनकी मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है जमीन के अंदर वो काफ़ी मात्रा में हो जाएगी, जिससे कि फसल में एक वृद्धि हार्मोन जो होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से जो है उनको प्रदान होंगे। किसान भाइयों, ये एक नाडेब कंपोस्ट है। इसको बनाने का बहुत साधारण तरीका है कि 10 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट के लगभग ऊंची जो है हम एक क्यारी बना लेंगे, उसके आर पार जो है हम एक्रॉस में इसके कुछ छेद छोड़ देंगे। उसके अलावा इसको बनाने का बहुत ही जो घास फूस से जो है खाद तैयार करने का सबसे उत्तम तरीका, क्योंकि आजकल गोबर की काफ़ी कमी है और जैविक विधि से जो है हम हमारे आसपास में निकल रहा जो भी अपशिष्ट है उससे हम खाद तैयार कर सकते हैं। इसमें जितना भी कचरा होगा उसकी हम 15 से 20 सेंटीमीटर की एक परत बिछाएंगे, उसके बाद में 100 लीटर पानी में 10 से 15 किलो गोबर मिला के और उसमें कुछ मात्रा में जो है हम अगर मूत्र हमारे पास उपलब्ध हो तो वो भी मिला के इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे और फिर कुछ मिट्टी की परत रख देंगे। इसी तरीके से इसको भरते जाएंगे, हम देखेंगे कि 15-20 दिन में ये वापस बैठ जाएगी। जब बैठ जाए हम इसको वापस भर के और इसके ऊपर लिपाई कर देंगे और ये 6 महीने के अंदर जो घास जो है उसकी खाद बनके तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि इधर जो है एक क्यारी बनाई गई, इसमें इनरिच जो प्रोम है, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मेन्योर, इसमें गोबर के साथ साथ रॉक फॉस्फेट और उसके कुछ उनको घुलनशील बनाने वाले बैक्टीरिया जिसको PSB कहते हैं, सुडोमोनास और बेसिलस तरीके के जीव होते हैं जो कि इसको घोलकर फॉस्फोरस को रॉक फॉस्फेट से गोबर के साथ मिला देते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन खाद है जो कि फॉस्फोरस प्रदान करने के लिए जैविक विधि से फसलों के लिए और पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हमने एक इधर इनरिच्ड कंपोस्ट का जो है वो बनाया है। ये इनरिच्ड जो कंपोस्ट है इसको हम जैविक और अजैविक दो तरीके से ये मिलकर बनती है। गोबर की खाद में हम यूरिया, उसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट, अगर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं हो तो हम DAP को भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं और म्यूरेट ऑफ पोटास इसको हम प्रयोग करते हैं। ये जो गोबर की खाद में तीनों को घोलकर इसका छिड़काव करते हैं जिससे बहुत कम समय में 3 से 4 महीने में ही ये गोबर की खाद जो है तैयार हो जाती है पोषक तत्वों से भरपूर।
किसान भाइयों, अभी आपने देखी कि हमारी जो ये जो यूनिट है, बर्मी कंपोस्ट है, इनरिच कंपोस्ट है, नेडफ है और हमारा बेस्ट डिकम्पोजर है, ये जो इकाई है माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारा परंपरागत कृषि है और जो जीरो बजट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो बजट आया है वो कृषि मंत्रालय ने जो बजट पेश किया है उसमें जीरो बजट एग्रीकल्चर की बात हो रही है। जीरो बजट का माने है कि अपना खाद, अपना पानी, अपना बीज, अपनी लेबर, इन चीज़ों में कि किसान को बाज़ार से किसी भी चीज़ को खरीदना न पड़े, उसी की इकाई को ध्यान में रखते हुए, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारी पूरी यूनिट है जिसमें बर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, एरिच कंपोस्ट के माध्यम से, हमारा जो बेस्ट डिकम्पोजर है उसके माध्यम से कैसे हम बिना कोई भी बाज़ार से खरीदा हुआ खाद करके अपना जो बनाया हुआ खाद है, किसान का जो बनाया हुआ खाद है उसको प्रयोग करके हम लोग जीरो बजट एग्रीकल्चर में और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जिससे किसान को यहाँ पे अपना जो पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और जो खुद का बनाया हुआ जो खाद है, जो 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 तत्व है उसके माध्यम से वो जीरो बजट एग्रीकल्चर पे जा सकते हैं, जिससे उनकी जो लागत है वो कम होगी और उनका मुनाफा उसमें बढ़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर गीतम सिंह है, मैं यहाँ SMS एनिमल साइंस के लिए हूँ और ये हमारी फॉडर चारा, हरा चारा उत्पादन इकाई है। इसमें CO4 इसकी प्रजाति है और जैसे कि पशुओं के लिए संतुलित आहार का एक प्रमुख अंग है हरा चारा। हरे चारे के बिना हमारे पशुओं में तमाम तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। हरा चारा देने से पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दुग्ध उत्पादन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे ज़िले में दुग्ध उत्पादन प्रमुख रूप से पशुओं से लिया जा रहा है, अन्य उद्देश्यों के लिए पशुपालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे ज़िले के पशुओं के लिए हरा चारा ज़रूरी है देने के लिए। अब हरे चारे के अंदर भी बहुत सारी प्रजातियां और बहुत सारे प्रकार के हरे चारे हैं, जिनमें कि हम लोग देखते हैं जो है रिंजका है, बाजरा है, ज्वार है और बरसीम है, लेकिन इसमें जो CO4 ये हाइब्रिड नेपियर बाजरा है, यह सामान्य बाजरा से 4 गुना ज़्यादा पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। पशुओं की पाचन क्रिया पर इसका अच्छा असर पड़ता है, पशुओं के शरीर में मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी इसका रोल काफ़ी अच्छा है और पोषक तत्वों की दृष्टि से पशु के शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें सुक्रोज की मात्रा भी ठीक ठाक होती है, इसलिए यह पशुओं को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। पशुओं के र्यूमन में जा करके वोलाटाइल फैटी एसिड्स क्रिएट करता है, जिससे कि पशु के शरीर को सीधे सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है और पशु का शरीर जो है अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए तैयार होता है। जैसा कि पशुओं को दूध देने के बाद में ड्राई पीरियड होता है, उस दौरान अगर हम हाइब्रिड नेपियर बाजरा पशुओं को दे रहे हैं तो अगले ब्यात में पशु ज़्यादा दूध देगा, ऐसी उम्मीद की जाती है और बच्चे का जो वजन है, बच्चे का स्वास्थ्य है पेट में, वह भी अच्छा होता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। उम्मीद है किसान भाइयों, कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आपने बेहद लाभ उठाया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषयों, नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत का। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।